माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानां मृतस्य नाभि ॐ। गौ रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहन एवं अमृत की नाभि है। इस वैदिक उपदेश के अनुरूप सभ्य समाज में गौ का स्थान सर्वोपरि रहा है। ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों द्वारा वंदनीय गौ माता अपने शावक अर्थात पुत्र के समान गृहस्थों से लेकर विरक्तों एवं भक्तों तक का पालन करती रही है। एक परम पूज्य श्रद्धेय संत ने किसी भक्त द्वारा सेवा शुश्रूषा के लिए दिए गए गौवंश की उपेक्षा को देखकर खिन्न हो शिष्यों के साथ यह संकल्प लेने का विचार किया कि जिस गोमाता का दूध संतों भक्तों ने पिया हो वह दीन दशा को प्राप्त हो, भोजन के अभाव में जिए, वधशाला में मारी जाए, यह कदापि उचित नहीं है, अत्यंत शोचनीय है। अतः जब हम प्रत्यक्ष रूप से गोरक्षा में समर्थ नहीं हैं, तो हमें गो दूध आदि के प्रयोग का भी अधिकार नहीं है। विरक्त संतों की ऐसी व्यवस्था भगवान से नहीं देखी गई और उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी श्री ईश्वरदास जी को गोरक्षा के लिए प्रेरित कर पूज्य श्री के पास भेजा। संतों द्वारा ऐसे घोर संकल्प लिए जाने का विचार जान स्वामी श्री ईश्वरदास जी ने स्वयं यह संकल्प लिया कि आप लोगों द्वारा गो दूध आदि छोड़ने का संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं यह संकल्प लेता हूँ कि जिन गो माताओं का आप सबने दुग्धपान किया है वे तथा और भी उपेक्षित निराश्रित गोवंश मेरे जानने में इस उत्तराखंड की भूमि से वधशाला अर्थात कत्ल खाने नहीं जाएंगे। गौ माता को शास्त्र ने विश्व की माता कहा तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। यह रहस्य आप देखिए कि गौ माता हमारी माँ से जन्म होने के बाद बहुत ऐसी माताएं होती हैं जिनको अपने बच्चे के लिए दूध नहीं होता है, लेकिन गौ माता के दूध से उस जीव का पालन पोषण होता है और वो गौ माता के दूध में जो माँ के दूध में जो शक्ति प्राप्त है वह अगर शक्ति प्राप्त है तो गौ माता के दूध में। बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े जो रिसर्च करता लोग हैं उन लोगों ने यह शोधन करके इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वहां किसी ने भैंस का दूध का जिक्र नहीं किया, गौ माता के दूध की ही जिक्र आता है कि गौ माता के दूध में और माँ के दूध में कोई फर्क नहीं है। तो गौ माता हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे जन्म से और मृत्यु तक जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि जन्म और मरण कोई भी शुभ और अशुभ चाहे हम जन्म लेते हैं तो हमारी शुद्धि गौ माता से होती है और कोई मृत्यु को प्राप्त होता है उसमें भी गोदान का महत्व आता है। तो गौ माता चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से देख लीजिए, अगर वायुमंडल को भी शुद्ध करने में गौ माता सहायक है, धरती माता की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने की अगर बात आती है तो गौ माता जहाँ तमाम यूरिया खाद से हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होती जा रही है, उसको पुनः उपजाऊ मिट्टी कैसे हो, कैसे खाद का चाहे वह सहयोग हो, हर दृष्टि से गौ माता का संबंध ये हमारे धरती से लेकर के पर्यावरण से लेकर के मानव मात्र से लेकर के सबके लिए जुड़ा है। और यह गौ माता से ही यह संभव है
कि पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो अगर एकमात्र गौ माता की अगर हम आराधना उपासना और गौ वंश की रक्षा करते हैं